सबसे आसान है, फोकस करो तभी तो सक्सेसफुल होगे। लेकिन ये 5-letter word फोकस अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। कैसे बढ़ाएं फोकस, ये तो हमें गीता सिखाती है। हाय, मैं हूँ मानसी आपके साथ ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। यह है गीता अनप्लग्ड। इट्स जस्ट 2 weeks आई हैव स्टार्टेड रीडिंग गीता। लाइफ इज टफ, और जब ये लगने लगे ना बॉस कि जिंदगी मुश्किल है, तब समझ लीजिए, मान लीजिए, वक्त आ जाता है कि आप गीता की एंट्री अपने जीवन में करा ही लें। क्योंकि कहते हैं गीता हमारी ज़िंदगी को ईजी गोइंग, सिंपल बनाती है। यही कोशिश हम रोज़ कर रहे हैं, आज भी करेंगे। बताऊंगी एक नया श्लोक गीता से, उसका मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ दी लैंग्वेजेस, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आसान भाषा में। अब आज का जो श्लोक है जो मैंने लिया है, वो गीता के चैप्टर 2 से वर्स 41। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। व्यवसायित्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदना बहुशाका ह्यनंताशुचा बुद्धयो व्यवसायनाम। अब संस्कृत तो हो गया, इंग्लिश और हिंदी पर आ जाते हैं। पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन। द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हु आर ऑन दिस पाथ इज डिटरमाइंड और कॉन्स्टेंट एंड देयर एम इज वन पॉइंटेड, बट द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हु आर इरेजोल्यूट इज मेनी ब्रांच्ड। As human beings, our intellect possesses the ability to control the mind. Thus, we must cultivate the intellect with proper knowledge and use it to guide the mind in the proper direction. अब बारी आती है हिंदी में मतलब बताने की, जो कि बहुत सिंपल है। Attachment actually दिमाग का काम है। Attachment is a function of mind. किसी इंसान से हो जाता है तभी लोग relationships में move on नहीं कर पाते। किसी चीज़ से हो जाता है, हमें उस चीज़ को साथ हमेशा रखते हैं। जब किसी का ख्याल आपको बार बार आपसे जुड़ता है, जब आपको बार बार किसी का ख्याल आता है, सो इट्स अ पॉसिबल इंडिकेशन ऑफ द माइंड बीइंग अटैच्ड टू इट। और इसीलिए श्री कृष्ण इंटेलेक्ट यानी बुद्धि योग की बात करते हैं। क्यों बुद्धि का यह क्या काम है? अब हमें तो यही लगता है किसी से अटैच्ड होना, हम सोचते हैं ये तो दिल से जुड़ता है ना। एक्चुअली ये दिल से नहीं जुड़ता, इट कंसिस्ट ऑफ द माइंड, द इंटेलेक्ट एंड द ईगो। ये तीन चीज़ें हमें ये एहसास कराती हैं कि कोई चीज़ हमारे दिल को बेहद पसंद है। इंटेलेक्ट यानी बुद्धि सबसे सुपीरियर है, जो लेती है डिसीजंस, और माइंड डिजायर क्रिएट करता है, गेट्स अटैच टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन एज डिटरमाइंड बाई द इंटेलेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इंटेलेक्ट ये डिसाइड करता है कि भाई पैसा ही खुशी लाता है, द माइंड हैंकर्स फॉर वेल्थ, माइंड पैसे के लिए इच्छा जगाएगा, डिजायर जगाएगा। इफ द इंटेलेक्ट डिसाइड्स दैट प्रेस्टीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, द माइंड क्रेव्स फॉर रेपुटेशन, द माइंड क्रेव्स फॉर फेम। यस, द माइंड डेवलप डिजायर्स इन अकॉर्डेंस विद द नॉलेज ऑफ द इंटेलेक्ट। सो ये आप ही हो, आपकी बुद्धि ही आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है, और जो आपकी बुद्धि सोच रही है वही माइंड कर रहा है। यानी कि फोकस करने के लिए लाइफ में बुद्धि में थोड़ा सा बैठाना होगा कि करना क्या है, किसके साथ लाइफ बितानी है, कहाँ मूव ऑन करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। इंटेलेक्ट में ना ये आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा इस बात को, तभी माइंड अपने आप वो सब डिजायर्स क्रिएट करने लगेगा। सो ट्राई कीजिए। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही। मैं मानसी हूँ आपके साथ on ABP Life Podcast.